आजही 24 तास एक पाऊल पुढे। सारेगमपची ग्रँड फिनाले नुकतीच पार पडली आणि या स्पर्धेत पुणेकर जसराज जोशीनं बाजी मारली, तेव्हा याच निमित्तानं जसराजशी केलेली ही खास बातचीत। क्या दक्षिणा देना चाहेंगे पहले ये बताएं, आपके साथ गुरुजी खड़े हैं। मतलब मैं पूरा उन्हीं का हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ उनको, मैं लायक नहीं हूँ इसकी उनको कुछ। आप पैर छू के आशीर्वाद मांगे ताकि ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। चलिए गले लगा के करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा पल होता है जब कोई शिष्य इतनी बड़ी आपको सम्मान दे, तो क्या फीलिंग होती है? देखिए गुरु के नाते मैंने जो इसके साथ कंट्रीब्यूट किया वो शायद 5% होगा, बाकी 95% तो इसका ही हाथ है। इसका इंटेलिजेंस है, एक बहुत ही एक जो कहते हैं इट्स ही इज नॉट ओनली अ म्यूजिशियन, ही इज अ पर्सन विद अ गुड म्यूजिकैलिटी। इसमें बहुत फ़र्क है, इसमें म्यूजिकैलिटी है। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं सर, वो भी इतने बड़े नहीं एक्चुअली इस सीज़न में तो बहुत ही मुझे उनसे हेल्प मिली है, लेकिन बचपन से ही मतलब जब मैं ढूंढ रहा था मेरा रास्ता तब इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैं इनका एक लव्य की तरह शिष्य हूँ और इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ और सीखा हूँ। आज आपको कामयाबी की सीढ़ी मिल चुकी है, अब आप कहाँ तक अपने आप को देखते हैं? वही मैं मतलब इस ट्रॉफी को या इस किताब को एक गो अहेड मानता हूँ। कुछ कहना चाहेंगे? ये तो आपने इतनी मदद की, आपने यहाँ तक पहुँचा दी, अब आप इनको कहाँ देखते हैं? देखिए लोग अक्सर पूछते हैं कि इन बच्चों का ऐसे कंपटीशन के बाद क्या, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दिस इटसेल्फ इज अ गोल। अभी आप देखेंगे कि जसराज जोशी जो है, जसराज को पहले नाम से पूरा हिंदुस्तान जानता है। इज़न्ट दैट अ बिग अचीवमेंट? मतलब अगर ये शो नहीं होता, आई थिंक दैट रीचिंग आउट टू पीपल्स बेडरूम्स, ही इज अवेलेबल फॉर पीपल ऑन द टेलीविजन सेट एवरी डे फॉर 4 months, इससे बड़ा एक्सपोजर मिलना, यू नो आई डोंट नो इवन इफ अ फिल्म स्टार गेट सो मच एक्सपोजर एज मच एज वी डू इन अ शो लाइक दिस। सो ये इटसेल्फ आउट ऑफ 1,23,000 स्टूडेंट्स ये फर्स्ट आया है, तो वही एक मकाम है। इसके ऊपर ऊपर वाला एक बैठा है, वो डिसाइड करता है, वो स्विच ऑन करता है, जब शुरू होगा तब होगा। आज के बाद सफर हालांकि खत्म तो नहीं होगा, लेकिन अब वो सफर खत्म हुआ है, मिस करने वाले हैं गुरुजी को। बिल्कुल, और यही चाहता हूँ कि कभी वो मुझे बुलाए अपने स्टूडियो में, मतलब यही इच्छा है। और मतलब सर क्या करें, आई डोंट वांट टू यू नो से फिल्मी थिंग्स ऑन कैमरा एंड से दैट यू नो आओ तुम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, ये मैं करवा दूंगा, ये सब जब होगा तभी देखेंगे हम लोग। 24 तास एक पाउल पुढ़े।